शेर ने मुझे हमेशा बेहद इंस्पायर किया। ना मुश्किल को समझ मुश्किल, सरे मुश्किल कुचल मुश्किल, अगर कुछ शक्ल निकलेगी इसी मुश्किल से निकलेगी। मैं स्टेज होस्टिंग के साथ साथ वॉइस इंडस्ट्री में बतौर डबिंग आर्टिस्ट काम कर रही हूँ। एंड यू नो व्हाट, मैं ऊपर वाले की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस प्रॉब्लम से नवाजा, मुझे डिफरेंट बनाया, क्योंकि इस प्रॉब्लम की वजह से ही मैं खुद को और अपनी ज़िंदगी को करीब से और अलग नज़रिए से देख पाई, ये जान पाई कि ये ज़िंदगी बेहद खूबसूरत है। मेरी ज़िंदगी में भी तमाम मुश्किलें आईं, लेकिन मैं हर मुश्किल का मुस्कुराकर सामना करते हुए बस आगे बढ़ती रही और बढ़ते बढ़ते सपनों के इस शहर मुंबई में आ बसी। दिल्ली की एक मिडिल क्लास फैमिली में 3 बहनों के बाद मेरा जन्म हुआ और 8 महीने की उम्र में ही मैं पोलियो की शिकार हो गई। मेरी शुरुआती पढ़ाई एक ऐसे स्कूल में हुई जहाँ पे फिजिकली चैलेंज्ड और नॉर्मल बच्चे सब साथ में पढ़ा करते थे। धीरे धीरे अपने स्कूल की एक होनहार लड़की मैं साबित हुई, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ में मेरा खास रुझान रहा करता था। हर प्ले में मैं पार्टिसिपेट किया करती थी और उन्हीं दिनों मैं सपना देखा करती थी कि बड़ी होकर मैं एक अभिनेत्री बनूंगी, डांस करूंगी। मासूम दिल की मासूम ख्वाहिशें। हम 4 बहनें और हमारा एक भाई था। मेरी सबसे बड़ी से छोटी सिस्टर, उसकी शादी के 1 साल के बाद उसको दहेज के लिए जलाकर मार दिया गया। उस वक्त मैं 9th क्लास में थी। कोर्ट केस हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस आए, पापा की फैक्ट्री तक बिक गई और इंसाफ भी नहीं मिला। इस हादसे से घर में किसी का होश भी नहीं संभला था कि ठीक 2 बरस के बाद दिवाली के वक्त मेरा इकलौता 10 साल का भाई ट्रक हादसे में चला गया। उसके जाने के साथ जैसे मेरा बचपन चला गया और दिल ही दिल में मैंने एक जिम्मा उठा लिया कि मैं अपने घर का एक बेटा बन के दिखाऊंगी, घर की जिम्मेदारियां उठाऊंगी। कैसे क्या करने वाली हूँ इसका इल्म मुझे भी नहीं था। जिस वक्त में सभी अपने रोशन भविष्य की तैयारियां करते हैं, सपने संजोते हैं, मैं अंधेरों में थी। मैं 12th क्लास में फेल हो चुकी थी। मेरे सामने अंधेरों के सिवा कुछ भी नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना, हंसना जिंदगी है, हंसकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर हंसे तो क्या हंसे, हार कर खुशियां मनाना जिंदगी है। मैंने हार नहीं मानी, मैं उन अंधेरों में खोई नहीं। मैंने दोबारा से 12th के एग्जाम्स देने के साथ साथ अपना खर्चा खुद उठाने के लिए कुछ जॉब्स करना शुरू किया। उन्हीं दिनों में मेरे दोस्तों ने मुझे गाने के लिए एंकरेज किया और मैंने संगीत सीखने के साथ साथ सिंगिंग ऑडिशंस देना शुरू किया। कुछ साल लगे और मुझे दिल्ली में एक सिंगर के तौर पर पहचान मिलनी शुरू हो गई। देन 2010 में किसी ने मेरे होस्टिंग के हुनर से मेरी पहचान करवाई और अब मैं स्टेज सिंगिंग के साथ साथ स्टेज होस्टिंग भी कर रही थी। अब मैं दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली से बाहर भी काम कर रही थी। मुझे अपने घर का एक हेल्पिंग हैंड बनकर सच में बेहद खुशी मिल रही थी। मेरी कला और मेरे साहस को कई अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। अब मेरे सपने कुछ और पंख फैलाना चाहते थे, मैं और उड़ान भरना चाहती थी, और मुझे ये कहते हुए बेहद गर्व होता है कि मैं अपने पूरे ख़ानदान में इकलौती एक ऐसी लड़की हूँ जिसने मुंबई जैसे बड़े शहर में अकेले अपने दम पर आने का और आगे बढ़ने का फैसला लिया। मुझे आज इस शहर में 3 बरस हो चुके हैं। मेरी मंजिल बेशक मुझसे दूर है, लेकिन मेरा जज्बा मेरे पास है। मेरे हौसले बड़े हैं, मेरे सपने बड़े हैं, लेकिन मेरे हौसले उससे भी बड़े हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा कि एक गहरी काली रात के बाद
एक रोशन सुबह ज़रूर आती है। मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक नज़रिया आपको कभी हारने नहीं देता, आपको कभी गिरने नहीं देता। मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा कि कैसी भी कोई भी परिस्थिति आए, कभी रुकिए मत, चलते रहिए। ये ज़िंदगी सच में बेहद खूबसूरत है और मैं इस ज़िंदगी की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ।